नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। यह है मेरा इतिहास के पन्ने मेरी नजर से का पहला वर्क फ्रॉम होम एपिसोड। लॉकडाउन की व्यवस्था में ये पहली कोशिश है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगेगा और यूजफुल लगेगा आज के माहौल में। इन दिनों जब भी कोरोना वायरस पैंडेमिक की बात होती है तो अक्सर जिक्र होता है स्पैनिश फ्लू का। स्पैनिश फ्लू 1918 में शुरू हुआ था और 1920-21 तक चलता रहा था और दुनिया भर में इसका इफेक्ट हुआ था। हिंदुस्तान एक तरह से उस पूरे पैंडेमिक का एपिसेंटर था, क्योंकि जितने लोग मारे गए थे उनमें से 50% से कुछ ही शायद कम लोग हिंदुस्तान में थे। दुनिया में भी बहुत प्रमुख लोगों का या तो इफेक्ट हुए थे या बीमार पड़े थे, जो जिनकी मृत्यु नहीं हुई लेकिन बीमार जरूर पड़े थे। कुछ बहुत प्रमुख लोगों का नाम मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उस वक्त स्पेन के राजा, बहुत ही आयरोनिकल है कि स्पैनिश फ्लू में स्पेन के राजा भी इफेक्ट हुए। अल्फोंसो द 13th, जर्मनी के एम्परर विलेम द 2nd, अमरीका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो 1933 से लेके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति रहे, क्लेमेंटाइन चर्चिल, जो विंस्टन चर्चिल की पत्नी थी, हाइले सेलासी द 1st, आगे चल के ये इथोपिया के मोनार्क बन गए। वॉल्ट डिस्नी के बारे में कौन नहीं जानता है। मेरी पिकफोर्ड साइलेंट एरा की बहुत मशहूर और विख्यात एक्ट्रेस थी। कैथरीन पोर्टर, जिन्होंने अपने अनुभवों के आधारित एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था पेल हॉर्स पेल राइडर। हिंदुस्तान में भी बहुत पर्सनालिटीज बीमार पड़े, उनमें से महात्मा गांधी भी थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हिंदी के प्रमुख कवि, वो भी थे। मुंशी प्रेमचंद, एक और बहुत ही बड़े लिटरेरी फिगर, वो भी बीमार हुए थे। तमाम डेटा सोर्सेस और रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि उस समय हिंदुस्तान की जो आबादी थी उसमें से कुल करीब 6-7% लोग मर गए थे। सवाल ये उठता है कि हम लोगों के राष्ट्रीय कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में स्पैनिश फ्लू का कोई रिकलेक्शन क्यों नहीं है। आप लोगों से बात करिए, प्लेग के बारे में सबको कुछ ना कुछ याद है, लेकिन जहां स्पैनिश फ्लू की बात आती है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। कोरोना वायरस के एपिडेमिक के पहले ऐसा लगता था कि इतिहास में जैसा कि स्पैनिश फ्लू कभी हुआ ही नहीं है। इसका मूल कारण था प्लेग। ईस्टर्न देशों में से शुरू हुआ था, हिंदुस्तान में आया था 1890 के दशक में। उससे पहले कई सालों से चीन में उसका पैंडेमिक चला हुआ था, ब्लूबोनिक प्लेग। उसके बाद यहां से वेस्टर्न कंट्रीज में गया था, लेकिन स्पैनिश फ्लू तो यूरोप में शुरू हुआ था और यूरोप से यहां एक्सपोर्ट किया गया था। हमारे यहां जो सैनिक आ रहे थे वो लेके आए थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इतना बड़ा पैंडेमिक, इतना बड़ा महामारी होने के बावजूद स्पैनिश फ्लू के ऊपर शोध उतना नहीं हुआ। 1951 में जॉन हल्टन नाम के एक 25 साल के अमरीकी माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने अलास्का में जाके वहां के फ्रोजन कब्रों में एक्सकवेशन किया ताकि वहां के वायरस के ट्रेसेस को वो निकाल सके और उनको स्टडी कर सके। फाइनली 2005 में जाकर H1N1 का फुल रिकंस्ट्रक्शन हुआ, तब पता चला कि आज तक कोई और इन्फ्लुएंजा इससे ज्यादा डेंजरस या विरुलेंट नहीं हुआ है। अब आगे शोध हमको बताएगा कि कोरोना वायरस स्पैनिश फ्लू से ज्यादा विरुलेंट था या नहीं। जब स्पैनिश फ्लू हिंदुस्तान में पूरी तरह से समाज को तबाह कर रहा था, ये वही दौर है जिस समय हिंदुस्तान की
जो राष्ट्रीय आंदोलन है ये एक नया जोर पकड़ रहा था। 1919 में जालियांवाला बाग मैसकर हुआ था और उसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू हुआ और फाइनली जाके खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। कुछ साल पहले जब 2018 पास आने लगा या करीब आने लगा, तब बहुत पॉपुलर लेखकों को या फिर मेडिकल राइटर्स या फिर साइंटिफिक स्कॉलर्स को लगा कि थोड़ा सा हमको और शोध करना चाहिए स्पैनिश फ्लू में, ताकि सेंटेनरी के पहले हम लोग किताब लेके आ जाएं। उनमें से ब्रिटिश साइंस पत्रकार और लेखिका लॉरा स्पिनी की किताब पेल राइडर काफी चर्चित रही है। उनसे पूछा गया था किताब के बारे में उनको आइडिया क्यों और कैसे आया। तब उन्होंने जवाब दिया था, इन द बैक ऑफ माय माइंड आई हैड अ सॉर्ट ऑफ सस्पिशन दैट द स्पैनिश फ्लू किल्ड मेनी मोर पीपल बट आई डिडंट नो दैट फॉर श्योर। थैंक्स टू गूगल आई वाज एबल टू एस्टैब्लिश दैट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। आई थॉट इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग दैट वी डोंट लुक बैक एट इट मच। Why is it not in our memory? कोई मॉडर्न स्टडी हमको स्पैनिश फ्लू का ट्रू पिक्चर इंडिया में नहीं देता है। ज्यादातर जो भी लिखा गया है वो सोर्सेज के इंटरप्रिटेशन पे आधारित है। स्पैनिश फ्लू हिंदुस्तान में दो वेव्स में आए थे। पहला जो स्प्रिंग या बसंत के मौसम में और फिर समर तक चलता रहा, गर्मियों के समय तक चलता रहा। और जो दूसरा जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव था वो ऑटम या जो शरद ऋतु है उस समय शुरू हुआ और सर्दियों तक चलता रहा। शुरू के दिनों में हिंदुस्तान में कई जगह खासतौर से उत्तर भारत में इसको सर्दियों की नई बुखार कहा जाता था। दूसरा वेव बंबई में सितंबर में शुरू हुआ और दक्षिण से लेके उत्तर में और फिर पूर्व में ये फैल गया। माना जाता है कि H1N1 वायरस वर्ल्ड वॉर वन से लौटते हुए सैनिक इन्फेक्ट होके आए थे, वो बंबई आए, बंबई में उतरे और वहां से रेलवे पकड़कर ट्रेन्स पकड़कर अपने अपने घर या गांव गए और इस तरह से सिविलियन पॉपुलेशन को जाके इन्फेक्ट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में स्पैनिश फ्लू का जो स्प्रेड हुआ था उसके पीछे इंडियन रेलवे ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया था। बॉम्बे में हाई पीरियड सितंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू हुआ और इसका पीक जो है सितंबर 29 से लेके अक्टूबर 5 के बीच हुआ। यहाँ पे डेथ रेट लगभग हर हजार में 55 था। मद्रास में पीक अक्टूबर 13 से लेके 19 तक का था और यहाँ पे डेथ रेट कम था, 17 प्रति हजार। कलकत्ता में पीक और बाद में जाके हुआ नवंबर के 16 से लेके 23 वाले सप्ताह में और यहाँ पे डेथ रेट लगभग 9/1000 था। एक काफी इंटरेस्टिंग बात हमको बिहार में देखने को मिलती है जहां स्पैनिश फ्लू का काफी इम्पैक्ट हुआ था। वहां पे ज्यादातर जो इम्पैक्टेड एरियाज थे वो गंगा के उत्तर के भाग में नहीं थे, सारा का सारा जो इन्फेक्शन था वो दक्षिण की तरफ था। इसका मूल कारण था रेलवे लाइन्स जो थे वो गंगा के नीचे ही थे, नॉर्थ बिहार का तब तक डेवलपमेंट ब्रिटिश ने नहीं किया था। ये एक पिक्यूलियर चीज है कि आपको डेवलप तो नहीं किया लेकिन आप स्पैनिश फ्लू के प्रकोप से बच गए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमको देखने को मिलती है कि महिलाओं का उनके बीच में इंसिडेंस ऑफ डेथ ज्यादा था मर्दों या और बच्चों की तुलना में। उधर दूसरे तरफ निराला जी की पत्नी गुजर गई स्पैनिश फ्लू के बीमार होकर। उन्होंने लिखा कि गंगा में इतने लाशें थी कि जैसा लग रहा था कि पानी ऊपर आ जाएगा, लकड़ियां नहीं थी तमाम लाशों को जलाने के लिए। मुंशी प्रेमचंद भी बीमार हुए, वायरस से इन्फेक्ट हुए लेकिन उनकी तबीयत बाद में ठीक हो गई। महात्मा गांधी को भी स्पैनिश फ्लू ने नहीं छोड़ा। 10 नवंबर 1918 को उनके पर्सनल सेक्रेटरी महादेव देसाई ने लिखा, आश्रम में इन्फ्लुएंजा हर तरफ फैला हुआ है। एक पत्र में गांधी ने अपने एक समर्थक को
गंगाबेन मजुमदार को लिखा, आई एम स्टिल इन बेड एंड विल हैव टू रिमेन देयर फॉर मेनी डेज बट इट कैन बी सेड दैट माई हेल्थ इज इम्प्रूविंग द डॉक्टर्स हैव फॉरबिडन इवन राइटिंग लेटर्स बट हाउ कैन आई नॉट राइट लेटर्स टू यू। गांधी जी की तबीयत ठीक होते होते मार्च 1919 हो गई। उन्होंने तुरंत रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ जो कहते हैं कि द रेस्ट ऑफ इट इज हिस्ट्री। जॉन बैरी लेखक हैं, उनकी किताब द ग्रेट इन्फ्लुएंजा द स्टोरी ऑफ द डेडलीएस्ट पैंडेमिक इन हिस्ट्री भी बहुत चर्चित हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया को उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया। उनको पूछा गया क्या कारण था स्पैनिश फ्लू भारत में इतना ज्यादा फिरुलेंट हो गया। उन्होंने कहा, आई हैव नेवर हर्ड अ गुड एक्सप्लेनेशन, इन फैक्ट डिफरेंसेस कुड बी ड्रामेटिक। इन द ब्रिटिश आर्मी इंडियन सोल्जर्स हैड अ केस फेटलिटी रेट ऑफ 22% while British troops at the same location had case fatality of just 9%. Medical care was roughly the same. I would hypothesize two things. One, it is conceivable that other influenza viruses had not circulated widely, and so Indians had no immune protection. इतनी बीमारी, इतनी मृत्युओं के बावजूद स्पैनिश फ्लू के बारे में हिंदुस्तान में इतनी कम जानकारी क्यों है? अगर हम स्पैनिश फ्लू के स्प्रेड को देखते हैं तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे पश्चिम भारत से वो उत्तर या पूर्व या दक्षिण की तरफ गया तो इसका जो पावर था वो धीरे धीरे कम हो गया। इसका जो फेटलिटी और मोर्टैलिटी रेट थे वो कम देखने को मिले। इसके पीछे कई कारण थे। ज्यादा अवेयरनेस हुई लोगों के बीच में, उनको पता चला कि ऐसी कोई बीमारी आ रही है, उसे बच के रहना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, कहा नहीं जाता होगा सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन लोग एक दूसरे से दूर रहने लगे, खासतौर से उनको जिनको बीमारी थी। स्पैनिश फ्लू पैंडेमिक की वजह से बहुत ही बड़े डेमोग्राफिक विशाल चेंजेस हुए हिंदुस्तान में। परिवारों में कमाने वाले खत्म हो गए, वृद्ध जो थे वो दोबारा से रोजगार करने के लिए उतर गए और लाखों की तादाद में बच्चे अनाथ हो गए। उस समय हिंदुस्तान में सोशल वेलफेयर नाम की कोई चीज नहीं थी, एडॉप्शन के बारे में कोई प्रोसेसेस नहीं थे, जिसकी वजह से पता नहीं कितने लाख बच्चे बिल्कुल विलुप्त हो गए, गायब हो गए। अभी कोरोना वायरस के समय जिस तरह से बैक माइग्रेशन हो रहा है, बड़े शहरों से लोग गांव जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कई सौ किलोमीटर चलते हुए जा रहे हैं, इनमें से कितने लोग पहुंचेंगे, कितने लोग मिसिंग करार दिए जाएंगे, इनका क्या होगा शायद पता भी नहीं चलेगा। तो एक तरह से इतिहास दोबारा से अपने आप को रिपीट कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज हमको स्पैनिश फ्लू के समय देखने को मिलती है, वो कि हिंदुस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा था, उनकी समझ नहीं थी कि उनको ऐसी भयानक बीमारी क्यों हो रही है। तो जब समझ में नहीं आ रहा था, उसका कारण नहीं समझ में आ रहा था, तो वो अक्सर दूसरों को ब्लेम करते थे, फॉरेनर्स को ब्लेम करते थे। यही चीज अभी भी देखने को मिलता है। सुपरस्टिशन पे बहुत भरोसा था, अभी भी देखने को मिलता है। हमको पता नहीं कि अभी बात करते करते, रिकॉर्डिंग करते करते कब कहां घंटी बजने लगे और थाली पीटने लगेंगे लोग। 1918-19 में जब पैंडेमिक फ्लू बिल्कुल अपने पीक पे था, तब हिंदुस्तान में उस पीरियड में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं थी। जनता समझ गई थी कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्रिटिश सिटीजन्स की ही देखभाल हो रही थी। ऊपर से 1918 में युद्ध के दौरान के सेंसरशिप लॉज तभी भी लागू थे, इंफॉर्मेशन की बहुत बड़ी डिफिसिट था, उसके बारे में कुछ पता नहीं था। जो भी खबर आती थी उसको बिल्कुल दबा दिया जाता था। अंग्रेज सरकार ने भी साइंटिफिक एडवाइस या फिर पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश या फिर सुपरस्टिशन को खत्म करने की या फिर जो भय का जो माहौल था उसको कम करने के लिए उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। हिंदू महासभा, खैर बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी उस समय, लेकिन एक तरह से
इमर्जिंग फोर्स के तौर पे थी, कम से कम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के लेवल पर। उन्होंने कहा कि स्पैनिश फ्लू हिंदुस्तान में इसलिए हुआ क्योंकि हिंदुस्तान के जानवर बहुत दयनीय हालत में थे। क्या अजीब बात थी, स्पैनिश फ्लू के पीरियड के दौरान के तुलना में ब्रिटिश के जो हेल्थ इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज थे 1890 के दशक में, जिस समय प्लेग का एपिडेमिक हिंदुस्तान में छाया था, उस समय ज्यादा प्रॉम्प्ट था। ब्रिटिश सरकार ने 1897 में एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट पास किया। यही कानून समकालीन सरकार ने लॉकडाउन इम्पोज करते समय इन्वोक किया है। इतिहासकार डेविड आर्नल्ड कहते हैं, प्लेग वॉज लॉन्ग रिमेम्बर्ड परहैप्स मोर फॉर द ड्रेकोनियन गवर्नमेंट मेजर्स एंड द अपसर्ज ऑफ नेशनल रिजेंटमेंट इट क्रिएटेड दैन फॉर द डिजीज इटसेल्फ, बट द ग्रेट फ्लू एपिडेमिक हार्डली गेट्स रिमेम्बर्ड एट ऑल। वी कैन इमेजिन द सफरिंग ऑफ अ फ्यू, बट वेन वी टॉक ऑफ 10 to 12 million डेथ्स, इट्स हार्ड टू बिगिन टू इमेजिन वॉट दैट मीन्स। 1897 का जो कानून था वो बहुत इंट्रूसिव और फोर्सफुल था। सैनिक घरों में तलाशी लेने आ सकते थे, मकान डिमोलिश कर सकते थे, मुर्दों को दफनाने या उनका अंतिम संस्कार करने के लिए सरकारी परमिशन लेना अनिवार्य था। एक रजिस्टर्ड सरकारी मेडिकल प्रैक्टिशनर या ऑफिसर से सर्टिफिकेट की जरूरत थी। ये बात आज आम लगती है, बिल्कुल नॉर्मल सी लगती है, लेकिन उस समय 125 साल पहले के भारतीयों को ऐसे कानूनों के लिए ब्रिटिश सरकार ने कभी तैयार नहीं किया था। आर्नल्ड ने फिर लिखा है, नेवर बिफोर हैड द स्टेट इन इंडिया इंटरवीन सो डायरेक्टली एंड फोर्सफुली इन द लाइव्स ऑफ द इंडियन पीपल। दिस प्रोड्यूस्ड अ मैसिव बैकलैश from Indians of all classes who deeply resented the physical inspections and the invasion of their homes, including riots and attacks on Europeans and health workers. 20 साल में जब स्पैनिश फ्लू का पैंडेमिक हुआ, ब्रिटिश सरकार ने अपने हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव करने का कोई खास कदम नहीं उठाया था। इस गैप को फिल उन भारतीयों ने किया जो ऑलरेडी धीरे धीरे पॉलिटिसाइज होने लगे थे, जिनके दिलों में आजादी की ख्वाहिश थी। महात्मा गांधी ने ऐसे लोगों को एक लीडरशिप प्रदान करके एक नेशनल मूवमेंट को एक नई दिशा दी। 1918 और अब के बीच में कई सारे वायरल एपिडेमिक्स हमको देखने को मिले हैं। इनमें से स्वाइन फ्लू बहुत रीसेंट है और बहुत वायरुलेंट था। आंकड़ों के हिसाब से जब अगस्त 2010 में पैंडेमिक का एंड घोषित किया गया ऑफिशियली, उस समय तक 2014 देशों से ये बीमारी की रिपोर्ट आई थी और लगभग 19,000 लोग शिकार हो चुके थे। लेकिन स्वाइन फ्लू अभी भी लोगों को लगभग हर साल होता है और बहुत लोग अभी भी मर जाते हैं इस बीमारी से। ध्यान लेकिन हट जाता है और कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई रिपोर्ट नहीं होती है, अखबार में नहीं लिखा जाता है, मीडिया में इसकी चर्चा नहीं होती है। इसीलिए कोरोना वायरस लड़ते समय हमको ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हम इस प्रेजेंट पैंडेमिक से लड़ते तो रहें, लेकिन साथ ही जो देश की जो बाकी हेल्थ समस्याएं हैं इनको हम नज़रअंदाज नहीं करें, क्योंकि ये समस्याएं हमारे सामने हैं और इन पे भी ध्यान आगे देना पड़ेगा। नमस्कार।